आज हम सीखेंगे कैपेसिटर कैसे टेस्ट करते हैं, या कैपेसिटर कितने टाइप का होता है और कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं। कैपेसिटर रिप्लेसमेंट फील्ड में एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं कैपेसिटर टेस्ट कैसे करते हैं। कैपेसिटर टेस्ट दो तरह से कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई देके, दूसरा मल्टीमीटर से। इलेक्ट्रिक सप्लाई देके मतलब उसको सीरीज लाइन से टेस्ट करने से अच्छा रहता है, क्योंकि डायरेक्ट फेज न्यूट्रल देने से वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो जब भी ये टेस्ट करने जाओगे तो आपके साथ कोई सीनियर या सेफ्टी बहुत मस्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं, कैसे कैपेसिटर टेस्ट करते हैं। कैपेसिटर दो टाइप का होता है, एक रनिंग कैपेसिटर, दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर मोटर के साथ कंटिन्यू लगा रहता है, मोटर का एफिशिएंसी और वोल्टेज मतलब बढ़ाने के लिए। और स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वो मोटर जब 70% रन कर जाता है तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच और रिले की तरह उसको रिलीज किया जाता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर जैसे 100 से 120 या 120 से 150 ऐसा होता है, ऐसे एमएफडी होता है। और रनिंग कैपेसिटर जो होता है जैसे 1 एमएफडी, 2 एमएफडी, 30 एमएफडी, 40 एमएफडी ऐसे होता है, मतलब सिंगल नंबर से गिना जाता है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो 100, 120 ऐसे गिना जाता है। तो चलिए आज हम टेस्ट करेंगे, ये 6 एमएफडी का कैपेसिटर है। पहले इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर टेस्ट करेंगे। जैसे एक सीरीज बोर्ड है, ये जैसे इसका वायर लगा दिया हूँ, लेकिन ये ध्यान से दो वायर दो पिन में टच करके ऐसे छोड़ देना, जैसे फायरिंग हो रहा है, फिर इसको ध्यान से निकाल देना पड़ेगा। फिर जैसे कोई भी स्क्रू ड्राइवर जिस पे ये प्लास्टिक है, तो इसको हाथ में पकड़ने से कोई मुश्किल नहीं है। ये वाला स्क्रू ड्राइवर जैसे जो पकड़ा हूँ वो प्लास्टिक का है, आगे वाला जो मेटल है, तो ऐसे टच करेंगे तो फट करके बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगा। तो इससे मालूम पड़ता है कि कैपेसिटर सही है, और आवाज़ नहीं आएगा तो इससे मालूम पड़ेगा कि कैपेसिटर ख़राब है। इस तरह हम इलेक्ट्रिक दे के टेस्ट कर सकते हैं इसको। चलिए इसको छोटा वाला भी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे जब टच करता हूँ तो ये फायरिंग होता है, फिर इलेक्ट्रिक निकल देना पड़ता है, उसके बाद मेटल से फिर दोबारा टेस्ट करेंगे। जैसे इस पे कोई आवाज़ नहीं, मतलब ये ख़राब है, ऐसे टेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो बड़ा वाला है इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देके टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिक्स थोड़ा ज़्यादा है तो मुझे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। लेकिन सब मल्टीमीटर में नहीं होते, जैसे ये वाला मल्टीमीटर इस पे कैपेसिटर टेस्ट नहीं कर सकते, इसको एम्पियर, वोल्टेज और रेजिस्टेंट और ओम्स मतलब क्वांटिटी ये चीज़ माप सकते हैं ये वाला मीटर से। दूसरा वाला जो मीटर है ये मैक्सटेक का मीटर है, बहुत अच्छा है, मतलब रेफ्रिजरेशन लाइन फील्ड में काम करने के लिए ये वाला मीटर बहुत बहुत ही अच्छा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को चाहिए तो ये ले सकते हो। लेकिन जो लोग रेफ्रिजरेशन फील्ड में नया है तो उन लोगों के लिए बजट थोड़ा ज़्यादा होगा, ये 1100 से 1500 के बीच में आएगा, और पहले वाला जो मीटर है वो 500 के आसपास आएगा, उससे भी कम चल जाता है। लेकिन ये कैपेसिटर टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट सब होता है इसमें, और बहुत सारे फीचर्स भी हैं। चलिए इसको हम पहले ओम्स वाला जो उसका सिंबल उस पर रख देंगे, और ये सिलेक्ट वाला स्विच से इसको कैपेसिटर मोड पे रखेंगे। जैसे NF लिखा है, ये मीटर में NF लिखा है, कोई कोई मीटर में UF लिखा होता है। UF मतलब माइक्रोफेरेड है, जो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, कोई भी नंबर जैसे 50 एमडी, उसके बाद UF मतलब माइक्रोफेरेड होता है वो।
तो चलिए इसको आप चेक कर लेते हैं। जैसे ये 6 MB का कैपेसिटर है, इसका जो पिंट हुआ है वो निकल गया है, फिर भी मालूम पड़ रहा है कि 6 MD है। तो चलिए देखते हैं इसको, ये कैपेसिटर सही है कि नहीं है। जो जो इसका जो काला वायर है वो कॉमन पे, और जो ओम्स रेजिस्टेंस का जो होल है उस पर लाल कलर का वायर लगाना पड़ता है। तो चलिए इसका जो क्रॉप है वो दो कैपेसिटर के दो पिन में लगाया हूँ, इस पर 5.96 बता रहा है, मतलब 6 MD का कैपेसिटर है, मतलब 5.96 बता रहा है, मतलब सही है कैपेसिटर। ये मीटर का और एक खास चीज़ क्या है, इस पर 3% प्लस माइनस है, 3 प्लस माइनस है, और जो उसके पीछे जो मीटर है उस पर क्या 10% प्लस माइनस है, मतलब थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा दिखा सकते हैं। जैसे इस पर 6 MD का है, 5.9 एकदम परफेक्ट बता रहा है। जैसे ये वाला मीटर है, इस पर देखिए 0.8 है, मतलब एक कैपेसिटर ख़राब है, इस पर कुछ नहीं दिखा रहा है। जैसे ये वाला और एक देख लेते हैं, 45+4 का कैपेसिटर है, जिससे ये वाला कॉमन है, ये हम है और ये फैन का है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, दोनों छड़े में रख देते हैं। ये फुल ऑटोमेटिक मीटर है, तो थोड़ी देर पकड़ने के बाद ही बताएगा, थोड़ी देर पकड़ के रखते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये 45.17 दिखा रहा है, 43, मतलब ये कैपेसिटर भी सही है। और फैन का जो कैपेसिटर वो भी चेक कर लेते हैं, ये 4.058 दिखा रहा है, मतलब ये भी सही है, मतलब 44+4 मतलब सही है कैपेसिटर। दूसरा देखते हैं, इसका जो स्टिकर है पूरा निकल चुका है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे ये वाला मीटर कैपेसिटर में कुछ नहीं बता रहा है, मतलब ये कैपेसिटर एकदम ही ख़राब है। देखो दूसरा है, दूसरा ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर 30 MD का है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 30 दिख नहीं रहा है, 30 MD है। तो चलिए दो क्रॉप दूसरे लगा देते हैं, थोड़ी देर पकड़ के रखते हैं। जैसे 30.08 मतलब एक कैपेसिटर भी सही है, एक कैपेसिटर भी स्टारिंग कैपेसिटर भी चेक कर लेते हैं। एक कैपेसिटर इस पर भी कुछ नहीं बता रहा है, मतलब एक कैपेसिटर भी ख़राब है, 0.1 बता रहा है, तो ये कैपेसिटी भी ख़राब है। ऐसे हम लोग कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरा चैनल और लाइक भी करना।